हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल तहरी मसालेदार फ्राइड राइस, जो मसालेदार नमकीन चावल होते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुकर में हमने तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें जावित्री डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून देंगे। देखिए प्याज का कलर हल्का ब्राउन होने लगा है, हमें पूरी तरीके से ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल देंगे। मटर डालेंगे इसी के साथ में, आलू डाल देंगे और एक चम्मच हम सौंफ धनिया पीस के उसका पेस्ट डाल देंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये भुना हुआ जीरा डाल देंगे हम। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इन सबको एक साथ भून लेंगे मसाले में। एक से डेढ़ मिनट तक इसी तरीके से फुल गैस पे भूनेंगे, गैस को सिम नहीं करना है। ये देखिए गाइस, इसका सारा तेल ऊपर आ चुका है मसाले का। अब हम इसमें, जैसे हम चिकन बनाते हैं उसका थोड़ा मसाला बच जाता है, थोड़ा चिकन, तो अब हम उसको वो डाल देंगे। हमने चिकन बनाया था कल, वो बच गया था। आप चाहे तो कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। देखिए गाइस, ये चिकन मसाले के साथ में अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये बासमती चावल लिए हैं हमने, इसको 10 मिनट पहले हमने भिगो दिया था। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद हम दो सीटियां लगा लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें सीटी लग चुकी है और ये हमने गैस से नीचे उतार लिया है। तो एक एक चावल किस तरीके से अलग अलग हो चुका है देखिए। अब हमारी तहरी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइए।